हेलो वेलकम टू इंडियन किचन रेसिपीज़। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी अरबी दही मसाला। खाने में बहुत ही स्वाद लगती है और इतनी डिलीशियस है कि अगर आप चाहें तो पनीर और छोले को स्किप करके जब आपके घर कोई मेहमान आए तो इसे बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए अरबी। अरबी एकदम फ्रेश होनी चाहिए और साइज़ में थोड़ी बड़ी अरबी लीजिए। अब इसे अच्छी तरह 2 से 3 बार आप वॉश कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, और अच्छे से वॉश करके इसे आप पील करके थोड़ी देर के लिए एयर ड्राई होने के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ दीजिए। अब हमें चाहिए होंगे 2 प्याज 2 टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर खरीदते समय आप ध्यान रखिए कि ये बहुत लाल और फर्म होने चाहिए, और प्याज खरीदते समय आपको ये चेक करना चाहिए कि नीचे से इसका मुंह बंद होना चाहिए। अगर ये खुला है तो इसका मतलब ये प्याज पुराना हो चुका है, ऐसे प्याज को आप मत खरीदिए। अरबी अब हमारी एयर ड्राई हो चुकी है, अब हम इसे स्लाइस कर लेते हैं। पर उससे पहले ज़रूरी है कि आप हाथों पर अच्छी तरह तेल लगा लें क्योंकि अरबी के अंदर लेस होती है जिसको जब आप कट करते हैं तो उससे आपके हाथ में खुजली हो सकती है। तो इस तरह 1/2 सेंटीमीटर की मोटाई वाले आप पीसेस कट कर लीजिए। बहुत पतले नहीं चाहिए, नहीं तो वो फ्राई करते टाइम क्रंची हो जाएंगे, और अगर आप बहुत मोटे पीस रखेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब इस तरह से हमने सारी अरबी को स्लाइस कर लिया है। अब इसे हमें करना है डीप फ्राई, पर उससे पहले हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैं प्याज और टमाटर को इसमें पीस लूँगी और हरी मिर्च को मैं स्लिट कर रही हूँ अलग से। तो इस तरह हरी मिर्च का ये जो पीछे की डंडी होती है इसको निकाल कर आप इसे 2 पीसेज में इस तरह स्लिट कर लीजिए। मसाला मैंने पीस लिया है, अब सीधा चलते हैं अरबी को फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है तो अरबी को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई कर लेना है। अब जब तक अरबी फ्राई हो रही है मैं दही में मसाले मिक्स कर लेती हूँ। तो 1 कटोरी दही में मैंने डाली है 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। दही में मसाले मिक्स करके उसे ऐड करने से दही जब हम सब्ज़ी में डालते हैं तो फटती नहीं है, कर्डल नहीं होती। अरबी भी हमारी फ्राई हो चुकी है तो चलिए अब मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच तेल में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, इसे हाथ से रगड़ कर डालेंगे। और अब इसमें डाल दी मैंने हींग, क्योंकि अरबी को डाइजेस्ट करने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है इसलिए हींग और अजवाइन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हरी मिर्च डालकर इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ सेकेंड इसे अच्छी तरह तेल में भून लेंगे। इसके बाद जो टमाटर प्याज हमने पीस के रखे थे वो ऐड कर देंगे इसमें। और अब इस मसाले को हम और कुछ नहीं डालना, अभी बस इसे ऐसे ही भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। 5-7 मिनट हो चुके हैं, मसाला अभी पूरी तरह से नहीं भुना है। अब इसमें हम डाल देंगे दही और मसाले जो हमने मिक्स किए थे, और इसे लगातार हिलाते रहेंगे ताकि दही फट ना जाए। अभी इस मसाले को हमें पूरी तरह नहीं भूनना है। ये जो कटोरी में दही थी उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, लगभग आधी कटोरी, और इसे भी इस पानी को हम इसी सब्ज़ी में मिला देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा के रख लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम फ्राई की हुई अरबी। मसाला अभी ऑलमोस्ट 50-60% ही भुना है, पूरी तरह भुना नहीं है। तो अब हम अरबी के साथ ही इसको भूनेंगे ताकि जो इसमें हमने ड्राई मसाले वगैरह ऐड किए थे दही के साथ उन सब का फ्लेवर अरबी के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, स्वाद के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिए इसमें। अब इसे हम थोड़ी देर इसी तरह गैस पर पड़े रहने देंगे और भुनने देंगे। ढक्कन को मैं पूरी तरह बंद नहीं कर रही, थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ। 4-5 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाला जो है अब कढ़ाई को छोड़ने लगा है और अच्छी तरह से भुन गया है। इस सब्ज़ी को आप जितना भुनेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ सिर्फ 1/2 कटोरी पानी।
ज़्यादा पानी हमें डालना नहीं क्योंकि अरबी ऑलरेडी फ्राइड है तो वो पक चुकी है। अब ढक्कन को पूरी तरह से बंद कर देंगे हम और इसे 3-4 मिनट के लिए अलग से पका लेंगे। जब तक अरबी पक रही है मैं साइड में बना रही हूँ तवा फ्राई बैंगन। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं एज अ साइड डिश, तो बहुत ही स्वाद लगते हैं किसी भी सब्ज़ी के साथ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। अब अपनी अरबी को भी चेक कर लेते हैं, अरबी बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम सर्व करते हैं परत वाले परांठे के साथ। तो इसे मैंने गार्निश कर लिया और अब मैं बना लेती हूँ परांठे। तो एक बड़ा सा आप गेहूँ के आटे का बॉल बना लीजिए, मतलब पेड़ा ले लीजिए आटे का, और इसे इस तरह पूरा फ्लैट कर लीजिए और उस पर घी लगाइए। अब इस पर डालेंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अजवाइन भी डालते हैं इस परांठे में, पर क्योंकि सब्ज़ी में ऑलरेडी काफ़ी अजवाइन है तो मैं इसमें नहीं डाल रही। अब इसे बीच में से कट लगाकर दोबारा से हम घी, नमक और लाल मिर्च लगाएंगे। अब फिर से इसे बीच में एक बार स्लिट कर लेंगे और फिर से फोल्ड कर लेंगे, तो ये ट्रायंगल शेप में आ गया। अब इसे हम बेल लेते हैं। इस परांठे में क्योंकि हर परत में घी लगा हुआ है तो जब इसे पकाने के बाद हम खोलते हैं तो एक एक परत अच्छे से खुलती है और बहुत अच्छा और करारा बनता है ये परांठा। किसी भी सब्ज़ी के साथ अगर ये परांठा सर्व किया जाए तो सब्ज़ी का टेस्ट भी डबल हो जाता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सब कुछ रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ।